हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल तो आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ मेरा अपडेटेड मॉर्निंग रूटीन मेरे थ्री मंथ के बेबी के साथ एंड मेरे हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया है तो कैसे सब मैनेज होता है तो सबसे पहले ना उठ के मैं बॉटल्स और पम्प्स ये सारा काम कर लेती हूँ एक्चुअली ये दिन में कई कई बार करना पड़ता है क्योंकि बॉटल्स पम्प्स बार 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 धुलते हैं आ, और ना मैंने अपना थोड़ा सा लिविंग रूम का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी चेंज कर दिया अगर आपको मेरे पुराने ब्लॉक याद हो तो मैंने यहाँ पर टी रखा हुआ था तो अब मैंने यहाँ पे बेबी का स्विंग रख दिया है और मेरे बड़े बेटे का भी मैंने स्टडी डेस्क रख दिया है क्योंकि मेरी थोड़ी ओपन किचन है तो जब अगर हम किचन में भी होते हैं तो दिखता रहता है कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं और ये स्विंग ना बहुत अच्छा है मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि मैं इसका रिव्यू आपको दूँगी तो ये फिशर प्राइस का मैंने लिया था और ये काफ़ी यूज़ हुआ इसमें मैं बेबी को अच्छे से ना बकल कर देती हूँ बेल्ट लगा के तो कोई डर भी नहीं रहता है बॉटल्स वगैरह को साफ करने के लिए ना मैंने ये ब्रश लिया हुआ है ये बॉटल में अच्छे से चला जाता है और इसके साथ जो निपल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी एक और ब्रश है और फिर मैं एवरी टू डेज में एक बार इसको स्टीम से अच्छे से स्टरलाइज कर देती हूँ ये मेरा जो स्टरलाइजर है ये नील के टाइम का है तब से चल रहा है फिलिप का इवेंट और दोनों टाइम में इसने बहुत ही अच्छा काम किया तो आई हाईली रिकमेंड दिस वन तो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की लंच की आ, मेरे हस्बैंड के टिफ़िन की सब चीज़ों की तैयारियाँ तो कुछ सा काम मैंने पहले ही करके रखे थे रात को एक तो मैंने कुछ आलू कट करके पानी अंदर डाल के स्टोर किए हुए थे और कुछ आलू मैंने बॉईल कर दिए थे और आज बनाऊंगी मैं पोहा और साथ में बनाऊँगी आलू मटर कॉर्नस की सब्ज़ी तो सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ क्योंकि आलू को गलने में टाइम लगेगा पोहा तो जल्दी से बन जाएगा आलू की सब्जी के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा क्यूमिन थोड़ी सी सौंफ सौंफ इसलिए डाली क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रखी है आज आजकल से ना डाइजेशन अच्छा हो जाता है थोड़ी कलौजी थोड़ा सा आ, च, फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक हल्दी हल्का सा बस नाम मात्र का कोरिएंडर पाउडर और उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने आलू कॉर्नस और मटर जो है ना वो मेरे पास फ्रोज़न है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है बस वो लास्ट में डलेंगे आलू को पकाने में टाइम लगेगा तो मैंने इसको ढक के थोड़ी देर से पकाने पर रख दिया है और ना साथ साथ में ट्राई करती हूँ कि किचन भी थोड़ी थोड़ी मैं समेटती रहूँ अदरवाइज़ ना लास्ट में बहुत सारा काम भर जाता है किचन का साथ साथ कर लो तो जल्दी जल्दी हो जाता है और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ पोहा पोहे में ना मेन टाइम लगता है आलूओं में तो अगर पोहे में आप आलू डालते हो आलू को गलाते हो उसी में सबसे सब ज़्यादा टाइम लगता है तो इसके लिए ना मैंने आपको दिखाया था कि बॉयल्ड आलू हमने पहले से ही करके रखा था बॉयल्ड आलू हो फिर तो पोहा बहुत ही जल्दी बन जाता है तो तड़का मैंने आपको यहाँ पर ही दिया है अच्छा इसमें ना अब मैंने ये बॉयल्ड पोटेटोज़ डाल दिए पर फिर मैंने नोटिस किया कि अच्छे से बॉयल नहीं हुआ था तो ये हल्के से कच्चे थे तो थोड़ी देर मैंने हल्दी और नमक डाल के इनको एक्स्ट्रा चला दिया था और उसके बाद ना मेरे पास एक मैशर है उससे मैंने मैश कर दिया था ये जो मेरा बर्तन है ना ये नॉन स्टिक नहीं है ये सीरामिक का है बट उस फिर भी उस पर स्क्रैच वगैरह नहीं आना चाहिए तो मैंने बहुत ही हल्के से किया था कि जो मेरा मैशर है ये टच ना करे मेरे पैन को और सबसे ज़्यादा ना सिरामिक या नॉन स्टिक बर्तनों के साथ यही रहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए ज़रा सा भी अगर वो स्क्रैच्ड है या उनकी कोटिंग निकल रही है ना फिर आप उन्हें यूज़ मत करो अच्छा लास्ट में मैंने ऊपर से अनियन डाल दिए थे वो तो कच्चे से ही अच्छे लगते हैं और उधर ना सॉरी सब्जी संभाल ली थी एक बार चला दिया और मैंने साथ में चाय बनने के लिए भी रख दिया था और लास्ट में मैंने टमाटर डाले पोहे में और बस ना इनको बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा मैश करना है हल्के से जूसीनेस ये बढ़ा देंगे पोहे की क्योंकि कई बार ड्राई हो जाता है और थोड़ी सी मिठास के लिए किशमिश और लास्ट में पोहा और हल्का सा बस वाटर स्प्रिंकल करके अब मैं इसको बस बंद करके दो मिनट स्टीम में और फिर गैस ऑफ करके और इसको मैं साइड में रख दूँगी और अब बस रोटी बच गई है तो रोटी के लिए भी मैं तवा चढ़ा दूंगी आलू मेरे यहाँ ऑलमोस्ट डन हो गया है तो बस लास्ट में मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं कॉर्नस डाल दिए हैं और मसालों में थोड़ा सा मैंने इसमें क्यूमिन पाउडर डाला है थोड़ा सा अमचूर डाला है और लास्ट में डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी रेड चिलीज़ और ये बड़ी टेस्टी सब्जी बन के तैयार है और अगर आपके पास ये फ्रोज़न ना हो ना तो इनको आप थोड़ा सा जल्दी चढ़ा देना क्योंकि इनको भी फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में काफ़ी लोग आप मेरे कुकवेयर सेट्स के बारे में पूछते हो तो ये फ़ाइव का सेट है ये ना करावे ब्रांड ने मुझे एक्चुअली सेंड किया था काफ़ी टाइम पहले पर आप लोगों को रेकमेंड करने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार इनको टेस्ट कर लूं तो अब मुझे ना वन वन एंड हाफ मंथ्स हो गए हैं इन्हें अच्छे से यूज करते हुए एंड आई कैन हाईली हाईली रिकमेंड दिस खाना और स्पेशली सूखी सब्जी बहुत अच्छी बनती है अगर आपको ये देखने हो ना तो आप लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे इनको चेक कर सकते हो तो चाय मैंने बना दी है हस्बैंड का मैंने ब्रेकफास्ट चाय सब रेडी कर दिया अपने लिए भी चाय मैंने डाल दी है और ना पहले मैं कभी भी सुबह उठ के चाय नहीं पीती थी पर अब क्या होता है ना बेबी के साथ रात को कई कई बार जागना पड़ता है तो जो नींद होती है ना वो पूरी नहीं होती है तो जब तक सुबह मैं चाय नहीं पीऊँ ना तब तक मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ तो जैसे मेरी मम्मी वगैरह की भी आदत थी हमेशा सुबह उठ के चाय पीने की तो मैं सोचती थी, थी कि सुबह चाय पीने का मतलब इतनी ज़रूरी नहीं होती और मैं तो हमेशा अपनी वीडियोस में भी आप लोगों को बोलती थी कि उठते ही चाय नहीं पीनी चाहिए बट बट अगर आपकी कंटिन्यूसली कई महीने से नींद ही नहीं पूरी हो रही है रात को और रात की नींद ना रात ही कोई पूरी होती है दिन में आप अगर रेस्ट भी कर लोगे ना वो बात नहीं आती है तो फिर आप लोगों को यू नो कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ते अपने रूटीन में और यहाँ पर अब मेरे रसोई वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है तो अभी बेबी को मैंने इधर पे माय जिम है ये उसका उसमें मैंने लिटा दिया ये काफी अच्छा है इसमें ना बच्चा अच्छा हाथ पैर चला लेता है जैसे ये टॉयज वगैरह को पकड़ने की कोशिश करता है और इसके ना बॉटम में भी एक पियानो सा है तो जब इसके पैर लगते हैं तो वो पियानो बजने लगता है तो उससे अच्छा बच्चे की ना एक्सरसाइज हो जाती है तो इसे प्ले जिम कहते हैं इसका भी लिंक दे दूँगी ये काफ़ी अच्छा एक्चुअली मोस्टली लोग ना यही वाला प्रेफर करते हैं तो अभी टाइम है बेबी के मसाज का और उसको नहलाने का शुरू में ना पहले दो ढाई महीने मैंने बेबी की रात को मसाज करके रात को ही नहलाती थी उससे क्या होता था वो अच्छा सो जाता था पर अब ना जिसका स्लीपिंग पैटर्न बन गया है और रात को नहलाते का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हाँ कि अब मेरा सोने का टाइम है पर अब क्योंकि इतना बड़ा हो गया कि इसका स्लीपिंग पैटर्न फिक्स हो गया तो अब मैंने चेंज कर दिया है अब मैं इसको ना सुबह मसाज करके और सुबह इसको एक अच्छे से नैप दिला देती हूँ और जो नहलाने का पानी होता है ना उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देती हूँ शुरू में तो मैं इसमें ब्रेस्ट मिल्क ऐड करती थी पर अब जैसे बेबी बड़ा हुआ है ना तो वो ज़्यादा मिल्क पीने लगा है आ, तो अब मेरे पास इतना एक्स्ट्रा नहीं होता कि मैं इसको नहाने में यूज़ करूँ तो मैं नॉर्मल काउज मिल्क ऐड कर देती हूँ इससे क्या होता है ना बच्चे की जो स्किन होती है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहती बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है चाहे आप बस थोड़ा सा इसमें ऐड कर दो रायु बेबी नहा लिया है और ना रायु को बहुत ज़्यादा क्रैडल कैप हो रही थी तो जो पपड़ी टाइप हो जाती है ना सर में तो डॉक्टर ने कहा था इसको नहाने के बाद जैसे शैम्पू करने के बाद इसकी ना अच्छे से कंघी करो आप कोम करो इसको उससे क्या होगा धीरे धीरे वो झड़ जाएगी तो अब नाइन्टी परसेंट सारी चली गई है ये टेक्निक से तो अगर आपके बच्चों को भी करेडल कैप की प्रॉब्लम है ना तो शावर करके लाइटली ये बहुत सॉफ़्ट कॉम है बहुत ही सॉफ्ट बेबीज़ के लिए ये करो और मैंने बेबी को वनजीस पहना दी है और अब बेबी सोएगा तो मैंने थोड़ा सा पंप करके दूध रखा है नहाने से नहाने से ना पहले ही थोड़ा दूध पंप करके रख लेती हूँ क्योंकि नहाते ही फिर दूधो चाहिए होता है तो अभी बेबी दूध पिएगा थोड़ी सी बॉटल में से और उसके बाद बेबी अभी अपनी नापू करेगा और यहाँ पे नील बेबी है जो कि अपने फ्रूट्स खा रहा है तो राय को मैंने यहाँ पे सुला दिया है और कभी वो अच्छी नैप ले लेता है कभी कभी तो विद इन फाइव टेन मिनट्स भी उठ जाता है कुछ भी इसमें पक्का नहीं है मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो एक एक दो दो घंटा नैप ले लेता है रियलिटी यही है कि बच्चे बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं पर अगर मेरे पास कुछ टाइम होता है इस टाइम पे तो एक्चुअली बच्चे के साथ क्या होता है ना बहुत सारा सामान आता है कभी डाइपर आ रहे हैं कभी कुछ आ रहा है अभी हमने नील की ना ये बाइक मंगवाई थी तो जो भी मेरे कार्टनस होते हैं या जो भी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं वो मैं कर लेती हूँ और जो भी अमेज़ोन या कहीं से भी मेरे पास ऑनलाइन कोई भी चीज़ें डिलीवर होती है ना मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी उन्हें अपनी जगह पर रख के सारे कार्टून पर फेंक दूँ अदरवाइज ना इतने बड़े बड़े कार्टून पड़े रहते हैं और मुझे लगता है कि घर में ना बहुत नेगेटिविटी करते हैं और हमारी बिल्डिंग में ना हर चीज़ को डिस्पोज करने का एक तरीका है तो सारे कार्टुन्स को आपको फोल्ड वोल्ड करके रिसाइकलिंग की चीज़ें अलग डाल के वो सब करना होता है तो इस टाइम पे वो कर देती हूँ एंड फाइनली अपना रोबोट मैंने चला दिया है और इसी के साथ फ्रेंड्स करती हूँ वीडियो को फिनिश आई होप वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले सब subscribe zarur kar bye